नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। सुंदर होने के बारे में बता देंगे। हम सभी लोग बहुत प्रयास करना चाहिए हमेशा खुशी से रहने के लिए। अगर भगवान बुद्ध बताते हैं उसी तथागत भगवान बुद्ध के ज्ञान के अनुसार हम लोग मनन करेंगे तो कल्पना करेंगे तो हम लोगों को खुशी पा सकते हैं, प्रीति प्रमोद से जीवन बिता सकते हैं। एक दिन एक देवता भगवान बुद्ध के पास आकर के नमन करके भगवान बुद्ध जी से पूछा, जंगल में भंते लोग रहते हैं, वे लोग सिर्फ सुबह भोजन करते हैं, शांत आचरण है, उन शांत लोगों का शरीर इतना सुंदर होने का कारण क्या है? लेकिन नॉर्मली समाज के लोग कैसा है? समाज के लोग सोचते हैं अच्छा अच्छा खाना खाओ पी के रह जाएगा तो पोषण चीज ले लेंगे तो विटामिन्स ले लेंगे तो व्यायाम करेंगे तो सुंदर होता है। लेकिन ये देवता आश्चर्य हुआ है, ये देवता आश्चर्य होने का कारण क्या था? जंगल में रहने वाले सिर्फ एक टाइम भोजन करने वाले लोग सुंदर कपड़ा पहनते हैं क्या? सुंदर कपड़ा भी नहीं पहनता है, अपना खूबसूरत बाल भी नोच लिया है, चिल काट दिया है, इतना कठोर जीवन बिताते हुए भी कभी कभी कोई कोई लोग 10-15 दिन में एक बार नहाते भी हैं। ऐसे होने पर भी ये जंगल में रहने वाले बनते लोग इतना सुंदर होने का कारण क्या है? ये देवता को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आश्चर्य हो गया, तो ये पूछ रहे हैं ऐसे होने का कारण क्या है। तो भगवान बुद्ध ने बताया, वे लोग अतीत के बारे में शोक नहीं करते हैं, भविष्य के बारे में आशा से प्रार्थना नहीं करते हैं, वर्तमान में जो कुछ मिलता है उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए वे लोग उतना खूबसूरत हैं। खूबसूरत होने का तीन कारण क्या है? अतीत के बारे में शोक नहीं करते हैं, हमको ऐसे हो गया, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था, उधर वो करना चाहिए था, उस समय हमको वो करना चाहिए था, उस समय हम ये करना चाहिए, कोई शोक नहीं है। भविष्य के बारे में कोई आशा से प्रार्थना नहीं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा होंगे, वहाँ रहेंगे, ये करेंगे, कोई प्रार्थना नहीं है, वर्तमान में जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट हो जाता है, इसलिए उन लोग उतना खूबसूरत हैं। तो देखिए तथागत की संदेश क्या है, तो सोच लीजिए, पंच काम को इस्तेमाल करते रहने वाले लोग कोशिश करता है पंचकाम को इस्तेमाल करके सुंदर होने के लिए, लेकिन ये पंचकाम को त्याग करके भी सुंदर हो सकता है कि नहीं? उससे ज़्यादा सुंदर हो सकता है, लेकिन पंचकाम जीवन बिता के रहने वालों को इतना सुंदर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पंचकाम जीवन बिताने वाले लोग के पास अगर श्रद्धा है तो ठीक है, तथा उन लोग को तो गृहस्थ जीवन बिताने लोग को प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम क्या है? अतीत के बारे में शोक करना पड़ेगा, भविष्य के बारे में आशा से प्रार्थना करना पड़ेगा, वर्तमान में संतुष्ट नहीं है, कौन है ऐसा? होना मुश्किल है, इसलिए गृहस्थ लोगों का जीवन मोर के समान है, शांत लोगों का जीवन हंस के समान है। तो यही कारण है,
इसलिए गृहस्थ लोगों को सुंदर नहीं हो पाता है। ऐसा है तो पंच काम संपत्ति भोगना, काम वासना को भोगना सुंदर होने का कारण नहीं है, लेकिन काम संपत्ति को त्याग करना भी सुंदर होने का कारण नहीं है। कोई कोई लोग सोच लेगा तो काम संपत्ति त्याग करेगा तो कुरूप हो जाएगा, प्रीति खुशी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा लोग सुख संपत्ति को प्रार्थना करते रहते हैं, हमको संपत्ति मिल गया तो, धन मिल गया तो, अमीर बन गया तो, वो गाड़ी कार बगीचा सुंदर घर प्रात सुंदर लड़की बच्चे भी खूबसूरत, ऐसे करके प्रार्थना कर, लेकिन वे लोग टेंशन में रहते हैं। लोग सोचते हैं उसी प्रकार से खुशी पा सकता है, संतुष्टि पा सकता है, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान देखने के बाद पता चलता है पंच काम संपत्ति से प्रीति प्रमोद उत्पन्न नहीं होता है। तो कैसे ये प्रीति प्रमोद खुशी उत्पन्न हो सकता है? अतीत के बारे में शोक नहीं करेंगे तो भविष्य के बारे में प्रार्थना करते करते आशा नहीं रखेंगे तो वर्तमान के बारे में जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट है तो वो लोग शोक नहीं करते हैं। ये लोग प्रीति प्रमोद से ही रहते हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं, सुंदर हैं। ऐसा है तो कितना भी पंचकाम संपत्ति भोग लिया तब भी, कितना भी संपत्ति भोग लिया तब भी अतीत के बारे में मनन करते करते रह जाएगा तो शोक करते करते, भविष्य के बारे में प्रार्थना करते 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 रह जाएगा तो वर्तमान के बारे में भी संतुष्ट नहीं है तो वो कुरूप हो जाता है। कुरूप क्यों होता है? कुरूप होने का कारण है ऐसे रहने वाले लोग को प्रीति प्रमोद से नहीं रह पाता है, प्रमोद नहीं है एकदम, प्रमोद मतलब पूरा शरीर खिला नहीं है, एक्टिव नहीं है, एक मुरझा गया जैसा से। मर गया जैसा आधा, तो इंद्रिय प्रसन्न नहीं है। इंद्रिय प्रसन्न नहीं क्यों? क्या समय से जाता है बैठ के नहीं थी, फिर इसका खाना खाते हैं थान नहीं थोड़ा खाता है, या तो फिर कुछ काम दे दिया तो बाद में करेंगे, कोई नहीं लगता है कि अंदर से कोई बीमार है, आंतरिक बीमार है। उन लोग को संतुष्ट नहीं होने का कारण या तो फिर अतीत के बारे में वो पछताते हैं, या भविष्य के बारे में बहुत प्लानिंग है, या वर्तमान के बारे में संतुष्ट नहीं है, या तो फिर तीनों। भगवान बुद्ध ने बताया इसी प्रकार अतीत के बारे में शोक करते करते, भविष्य के बारे में आशा से प्रार्थना करते करते रहने वाले बाल जनता लोग मुरझा जाता है। कच्चा बांस का पौधा धूप में डाल दिया जैसा, कच्चा बांस का पौधा धूप में डाल दिया तो कैसे तुरंत सूख जाता है ना, वैसा उन लोग का जीवन सूख जाता है। पका हुआ बांस डाल दिया तो मजबूत हो जाता, चमकता है, कच्चा डाल दिया तो मुरझा जाता है। वैसा है अंध बाल पृथग्जन लोग दुनिया में, देख देखते कच्चा बांस का पेड़ सूख जाता है, मुरझा जाता है, अप्रसन्न हो जाता है। वैसे ही है अतीत के बारे में कल्पना कर करके शोक करते करते रह जाएगा तो तथा भविष्य के बारे में प्रार्थना करते करते रह जाएगा तो उसका सुंदरता, उसका शरीर का खूबसूरती देख देख के मुरझा जाता है, उसको दुबला हो जाता है।
उसका शरीर क्षय होता है, क्षय मतलब खत्म होते होते खुरूप हो जाता है। ऐसा है तो कुरूप कैसे होता है, कुरूप होने का कारण क्या है? उसका दिल में कोई प्रीति प्रमोद नहीं है, वो खुशी से रहता नहीं है। खुशी से रहने के लिए उसका इंद्रिय प्रसन्न नहीं है। इंद्रिय प्रसन्न नहीं होने के कारण उसको खुशी नहीं, तो शरीर एकदम ऐसे है। इसलिए प्रसन्नता से प्रमोद से जिसको खुशी से रहना चाहेंगे तो वो अतीत के बारे में सोच सोच कर पछताना छोड़ना पड़ेगा। भविष्य के बारे में प्रार्थना करते करते रहना, कल्पना करना, प्लानिंग करना छोड़ना पड़ेगा। वर्तमान के बारे में, वर्तमान में जो कुछ मिलता है उसके उसी से संतुष्ट होके रहना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा इसे रहने के लिए। इसी प्रकार सुखी से रहने वाले व्यक्ति दर्शनीय है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। उनको पंचकाम संपत्ति कम मिल गया था भी कोई खास नहीं है। अगर जितना पंचकाम संपत्ति संपत्ति सुख जितना मिल गया था भी वो अगर अतीत के बारे में शोक करते करते, अतीत में जो कुछ हुआ, भविष्य के बारे में प्लानिंग करते करते वर्तमान के बारे में संतुष्ट नहीं है तो कभी वो सुंदर नहीं हो सकता है। जो देखने वाले लोग देखते ही रह जाएगा, वैसा खूबसूरत काय सुंदरता पाना चाहेंगे तो यही है रहस्य। इसीलिए तो मैत्री वही है ना, मैत्री से भी खुशी से रहना है, इससे भी खुशी से रहना है। देखिए आज सुंदर ज्ञान, भगवान बुद्ध के ज्ञान के अनुसार रहेंगे तो तब ना वो को निकोसल राजा के बताया, बाकी लोग हम लोग देखते एकदम मर गया जैसे, लेकिन आपका शिष्य बनते लोग देखेंगे ना खूबसूरत, बाल काटते कुरूप होने के लिए, ये दुर्वर्ण चीवर पहनते कुरूप होने के लिए, एक तरफ दिखाता है कुरूप होने के लिए, फिर भी इतना सुंदर क्यों, इतना प्रसन्न क्यों? क्योंकि यही है रहस्य। वो लोग हमेशा खुशी से रहते हैं, प्रीति प्रमोद से रहते हैं। आप समझ लीजिए कितना तकलीफ, कितना। इसलिए आप लोग ये ज्ञान सुन लिया तो अपना कुछ करना पड़ेगा, ज्ञान सुन लिया तो उसी ज्ञान के अनुसार अभी तुरंत शुरू करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। नहीं शुरू करेंगे तो आप लोगों को कुछ नहीं पा पाएगा, तो आप लोग जहाँ है वहीं रह जाएगा। कभी ज्ञान सुनने के बाद ज्ञान छोड़िए मत, अभी तुरंत उसको अपना लीजिए, आप अपना जीवन में ज्वाइन कर लीजिए उसी ज्ञान को, मशीन जैसा तुरंत अंदर डाल दीजिए, कार्ट रीडर डाल के सेट कर दीजिए, अभी से लेकर काम करते रहेगा। प्रसन्न मन से रहने के लिए कोशिश कीजिए तो आप लोगों को बोध गया में पूरे संसार में सबसे खूबसूरत सुंदर व्यक्ति बनने का भाग्य मिल जाए।